कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। आदिल को सब मालूम था, रोज हमारे एक महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ, रोज उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ है, छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएंगे, जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहां पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट, आई थिंक फाल्गुनी, सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें, जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन। रितेश इज ऑनलाइन, अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे हैं रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, हम लोग तेरे लिए मंत्र इतने दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ अभी पूछो। हाँ पूछो रितेश। देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया सबके सामने, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है, कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि ठीक है उसने जो वीडियो दिखाया है ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा लाइक हम लोगों का एक ब्राइडल सूट था जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे, तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि लाइक ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया, उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया, वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी लाइक मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे, मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सकता हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है, शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके, इसलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है, आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में
बीच में था एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है ठीक है ग्रीस में एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रेवल किया हूँ 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ एंड देन ऑन 7th नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए ठीक है क्या हुआ यार 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ ये एग्जिट वहां का है ठीक है कुछ लोग मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है दो पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 इयर्स एक्सपायर हो गया तो दूसरा एज पर लॉ राइट ये दूसरा पासपोर्ट है ठीक है तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ वो लंदन नहीं गए रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ उस होटल के कमरे में गए तो कितने सच्चा क्या आप लंदन गए थे क्या उस वक्त आप लंदन में थे उसको पता नहीं है शायद ज्यादा वो दुनिया नहीं है दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो उसका स्टैंपिंग इनकम में ठीक है नेटवर्क आई थिंक वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है ऑडियो में बात करते हैं ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको वीडियो बहुत हाँ बोलिए सारी चीजें आपको भेज दूंगा बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क सारी चीजें भेज दूंगा एक चीज मुझे और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ कब आउट किया हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे क्या हम लंदन में मिले थे क्या हम एक कमरे में गए थे तो उसके लिए इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो वो इतनी बड़ी बड़ी झूठ नहीं उसका कहना है रितेश उसका कहना है रितेश गट सेकंड उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया 008 हो गया है उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं जो MI7 में दिखता है ना वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा क्या वीडियो फुटेज है इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता ये देश का वीजा का एंट्री है देश में इंटर होने का एंट्री है ठीक है पहला दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे मैं इतने लोगों के सामने मैं क्षत्रिय हूँ मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था यूके में था कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं लीगल इस पर एक्शन सब पूछिए बहुत समय है पूछिए रितेश सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करें क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं तो क्या आपने कॉल किया था क्या आपने उन्हें वार्न किया था ये बात सच है या नहीं ये बातें सही है मैंने उसको कॉल किया था उसने कॉल किया था एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था वो बातें पूरी नहीं बताया मैं राखी से बात कर रहा था राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है जो भी है हमारी बीच हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा ये बंदा स्मार्ट नीच किस्म का इंसान है मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है बट ही इज रियली नीच उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता मैं ओपनली बोल रहा हूँ
और आदिल खान दुरानी अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात मैं बता दूंगा, सारी औकात मैं बता दूंगा, तू कौन है, क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब हमारा राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वॉन्ट यू टू एडमिट दिस थिंग्स, आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था, मैंने बताया है। ठीक है, पहले ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक। तभी बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है। शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट, ओके ओके सुन लो, ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो आके आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए, मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या, क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है। तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है, और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं कोई मैनिपुलेटेड आंसर दे, जो हूँ ब्लंट हूँ मैं, अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट बस मुझे एक मिनट दे दो लाइक राखी, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आया है। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं, क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी, राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इनका इसका सारा चीज जो है फेक के ही पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ देके क्या, मैं जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया, मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूं आपको जो डेट्स मैं दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूं। ये है राखी का चैट, ठीक है, पहला डेट दिखा दे रहा हूं, ये 30 मार्च का, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर और मेरी आईडी है, मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है,
जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनो कि ये मारता है पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें राखी बोली है खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन सो नहीं, कौन सा क्वेश्चन? मैं नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने जो मेरे हस्बैंड है, एक मिनट रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी बात राखी से नहीं हुआ, ठीक है गाइस। तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है, मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ क्योंकि इस मीडिया केवल मीडिया को यूज, वो माना हानि का दावा कर रहे हैं रितेश। आप पूछो, अच्छा रितेश दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है और ना ही मैं कभी रितेश को मिली। मैं बहुत ही प्रोफेशनल, मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है, उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे लाइक वो चैट किया है वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है। और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा वो क्या है? वीडियो भी तो अब तो वही वो बताएगा ना कि वो क्या है। मैं राजाधन यही मैं मीडिया से पूछूं, वो सारे सवालों का जवाब यहाँ ही कोर्ट में देना। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब अपने नितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे हैव गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। रितेश सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं तो कोर्ट में क्या, आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट बात, आप लोग वन ऑन वन रितेश से बात।